सभी दोस्तों और सभी प्यारी प्यारी माता बहनों, इंसान की दुआ भी तकदीर बदल सकती है। कभी अपने माँ की और बाप की, पेरेंट्स की कभी दुआ लोगे तो हमेशा कामयाब होगे। दोस्तों, मैं हूँ मोइन खान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल वशीकरण मंत्र। और मैं आज आपको बताऊंगा, ये कागज़ का एक उदाहरण के तौर पर पत्ता, जो पीपल का पत्ता होता है, पीपल के पेड़ का पत्ता, उसके उदाहरण के तौर पर मैंने ये पत्ता आपके सामने, आपको असली पत्ते का इस्तेमाल करना है। ये कागज़ का मैंने सिर्फ बनाया है आपको अच्छे से समझाने के लिए। और आप सिर्फ इस कागज़ के दो लोगों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कभी ना कभी दो लोगों को एक दूसरे से अलग करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जब तब दो लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं जो गलत लोग होते हैं। किस तरीके के गलत लोग होते हैं? जैसे कि किसी की पत्नी किसी बाहर मर्द से ताल्लुकात में जुड़ जाती है, तो पति इस उपाय को करके अपनी पत्नी को और दूसरे मर्द को इस उपाय के जरिए एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर सकता है। या फिर दोस्तों, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के पास आकर्षित हो गया, उसके अफेयर में चल गया, आपसे बात नहीं करता, तो आप इस उपाय को करके अपने बॉयफ्रेंड को और दूसरी लड़की को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर सकते हैं। या फिर आपका पति आपको छोड़कर चला गया है, बात नहीं करता, उस लड़की के साथ रहता है, उससे बात करता है, तो आप इस उपाय को करके उस लड़की को और अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर सकते हो। किसी को भी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रेमी प्रेमिका, किसी को भी आप इस उपाय को करके, जो आपका पार्टनर अलग हो गया है आपसे, चाहे वो कैसे भी अलग हुआ हो, आप इस उपाय को करके अपने पार्टनर को और जो उसके बीच में आ गया है आपके बीच में, उसको एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर सकते हो। दोस्तों, ये उपाय बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि ये उपाय हमने 10,000 लोग से ज़्यादा को हम इस उपाय को बता चुके हैं, तो इस उपाय से उन लोगों का काफ़ी फायदा मिला है। 90% प्लस रेट है इस उपाय के सक्सेस होने के। और हम जो यही ट्राई कर रहे हैं, जो हमारा डिसलाइक है वो अभी सिर्फ 5% है। 95% लाइक मिले हैं वीडियो को, डिसलाइक सिर्फ 5% है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि डिसलाइक 0% हो। और इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, ताकि आपको कोई भी समझने में करने में उपाय को गलती ना हो, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐसा करया मैंने, वैसा करा, कुछ नहीं हुआ। अगर आप हर जगह से फेल हो गए हैं, तो आप सिर्फ इस उपाय को करिए और इसमें कामयाबी हासिल करिए। सिर्फ आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, ये मैंने कागज़ का बनाया हुआ है, आपको असली कागज़ का, असली पीपल का पत्ता लेना है। जैसे कि आप देख रहे हो, पीपल का पत्ता इस तरीके का होता है, इसमें दो एक लाइन इस तरीके से ही गड़ी रहती हैं। और अब आपको करना क्या है, सिर्फ पीपल के पत्ते को लेने के बाद आपको एक, तो इधर आपको जिसको आपको अलग करना है, जैसे उसका नाम है काजल, तो यहाँ लड़की का नाम प्लस यहाँ काजल और उसकी माँ का नाम, लड़की की माँ का नाम जो भी होगा वो आपको लिखना है। अगर माँ का नाम नहीं पता है तो खाली माँ भी लिख सकते हैं। अब ज़्यादातर लोगों की परेशानी होती है कि माँ का नाम नहीं पता होता, तो ये आपके अच्छाई के लिए खाली माँ भी लिख सकते हैं, उपाय काम करेगा। इस तरीके से नाम लिख दोगे। अब यहाँ पर दूसरे इंसान को जिसको अलग करना है, जैसे आपका बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड को काजल से अलग करना है, तो सबसे पहले यहाँ काजल और बॉयफ्रेंड का नाम है विपुल, तो यहाँ विपुल, विपुल नाम है और प्लस माँ का नाम, इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से पीपल का जो पत्ता होगा ना, बिल्कुल इस तरीके से आपको उस पीपल के पत्ते पर लिख देना, इस तरीके से। सभी बॉक्स में 9 लिखना है और 9 बॉक्स का ही ये बॉक्स होगा। अब इसको करने के बाद इसी तरीके से आपको इसमें भी इसी तरीके का बॉक्स बनाना है और सभी बॉक्स में 999 लिख लेना है, इस तरीके से। और इसको लिखने के बाद जो पीपल का पत्ता होता है, उस पीपल के पत्ते को इसी तरीके से, जो लाइन होती है जो डिवाइड करती है एक दूसरे को, तो इसी तरीके से आपको उसमें इसको
अलग कर देना है, पीपल के पत्ते को अलग अलग कर देना है। अब देख रहे हैं बिल्कुल अलग कर दिया इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए, माचिस निकाल लिए, इनको दोनों को रखना है जलाकर इस तरीके से। इस तरीके से आपको जलाना है इस तरीके। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से जला देना है। पूरा अच्छे से जलाना है आपको, ताकि वो पूरा जल जाए इस तरीके से। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जल चुका है पूरा, और ये बिल्कुल इसी तरीके से राख हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरा राख हो चुका है। अब इसकी जो राख है, इसकी आपको अलग चलते हुए पानी में अलग फेंकनी है, और इसकी अलग अलग नदी नाले में जो भी फेंकना है आपको, जो चलता हुआ पानी हो, इसकी राख अलग फेंकनी है, दोनों की राख अलग अलग फेंकनी है। क्यों? क्योंकि हमें एक दूसरे से इनको अलग करना है। तो आप इस उपाय को करिए, बहुत साधारण उपाय है, आसान भी है, और 10 लाख से ज़्यादा लोग इसका प्रयोग करके फ़ायदा उठा चुके हैं। आप भी फायदा उठाइए और इसको करिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात होगी अगली नई वीडियो के साथ।